हेलो फ्रेंड्स, मैं संजूर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ की मैथ, जिसमें आज हम लोग चार पार्ट को देखेंगे। यानी प्रश्नावली है आपकी 4.2, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज गुणनखंड विध। हमने पिछले दो पार्ट में देखा भाई प्रतिस्थापन विध, विलोपन विध हमने देख लिया। अब आज ये चार पार्ट में कमेंट आया हुआ था बच्चों का कि सर इसमें गुणनखंड विध बता दीजिए हमें। तो चलिए, ये दो सवाल आपके हैं जो कि 4.2 के हैं नई बुक में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक 2022 में आया हुआ है। तो इसलिए हमसे ये आना चाहिए गुणनखंड विध, इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जो 2022 में आया हुआ था, इसको पहले समझा दें आपको कि कैसे आया हुआ, ठीक है। इसको हल करते हैं फिर कहिए। तो पहला जो भी एक हल कर लेते हैं, पहले जो आया हुआ है उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो भैया आया है तो क्यों आया है भैया, कुछ तो खासियत होगी उसमें, सही है ना। बिल्कुल, तो चलिए खैर इसमें सबसे आपको हम तरीके बताएंगे, आपको ध्यान से सुनना है। और अगर आपने ध्यान से सुनना, जितने तरीके हम बताएंगे आपकी कभी गलत नहीं होंगी, ये गारंटी है। चलिए खैर देखते हैं इसमें हम लोग। तो ये दिया है 2x² + 6x - 6 = 0, 2x² + x - 6 = 0 दिया गया है। द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात। x की जो सबसे बड़ी घात होती है, अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे लिख भी सकते हो द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण आप लिख सकते हो। अब फिर आप ये लिख लेना है, इतना है, ठीक। अब इसका रूल क्या होता है, ये तीन पद में है, 1, 2, 3 पद है, इसको हमको चार पद करना होगा, तभी तो 2-2 का जोड़ा बनेगा, तो हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आपके सवाल जो पूछता है वो क्या कहता है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। अब मूल हमेशा द्विघात समीकरण में 2 होते हैं, यक्स के आप पे 2 मान आएंगे, कितने मान आएंगे, 2 मान आपके यहाँ पे द्विघात समीकरण में 2 मान आते हैं, ठीक है, यस। तो यहाँ पे हमको मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए हमको जब 2 मान निकालना है तो यहाँ पे हमको चार पद बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ग्रुप ग्रुप करेंगे तभी तो एक में से एक आएगा, ठीक है। तो 2 खंड हमको बनाना है। तो चलिए खैर, इसमें जो आपका ये ए बी सी, अगर हम इसको मान लें, 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3 पद, ठीक। तो हमको क्या करना है, 2 ऐसी नंबर ढूंढना है, 2 ऐसी नंबर ढूंढना है पी और क्यू, 2 ऐसी नंबर जिनका गुणा करें तो ए और सी के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, मतलब पहले पद और द्वितीय पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक। ऐसी हमको बताना, इन दोनों का गुणा करें तो किसके बराबर आना चाहिए, पहले पद और दूसरे पद के बराबर। तो पहला पद कितना है, देखो हमको केवल अंक लेना है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जटिल हो जाएगा थोड़ा। तो 2 प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक। तो 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम इसको गुणा करते हैं तो कितना, 6 × 2 = 12, यानी -12। ऐसी दो नंबर बताओ जिसका गुणा करने पे 12 आना चाहिए, माइनस तो हम ला लेंगे, ठीक है, लेकिन 12 आना चाहिए। और फिर इन्हीं नंबर को यदि हम प्लस करें या माइनस करें तो बीच वाला पद आना चाहिए, कौन, बी नंबर आना चाहिए, कौन आना चाहिए, बी नंबर। तो चलो इसी को हम प्लस माइनस करें तो बी नंबर आना चाहिए, तो बी नंबर कितना है, 1 है, यहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। ये रूल आपको ध्यान रखना है कि उन दो नंबरों को अपने से सोचना है कि उनका गुणा करो तो 12 आए, और उन्हीं को जोड़ो या घटाओ तो 1 आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते 12 के आखिर किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 1 × 12 होता है जो कि 12 आता है, 2 × 6 होता है जो कि 12 आता है, 3 × 4 जो कि 12 आता है, ठीक, और कोई है नहीं। अब आप कहोगे 12 × 1 नहीं होता, उल्टा सीधा सब गुणे में बराबर होता है, ठीक है, ऐसे चालाकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो 1 × 12 = 12, 2 × 6 ये हो गया। अब बताओ अगर हम इन दो गुणा तो आ रहा लेकिन जोड़ो घटाओ तो 1 आना चाहिए, देख लेते हैं। 12 में 1 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 12 में 1 घटाओगे तो 11 आएगा, 1 नहीं आएगा, गलत हो गया, इसको हटा दो। 6 × 2 = 12 ये तो आ रहा लेकिन 6 में 2 घटाओगे 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो इसको भी हटा दो। 3 × 4 = 12 तो आता है, और 4 में 3 घटाओगे तो 1 भी आएगा, समझ गए, और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 1 आ रहा घटाने पे, तो यही वाला हमारा सही है। लेकिन हमको अब माइनस माइनस का 12 भी लाना है, क्या लाना है, माइनस का 12 भी, तो ऐसा करो, और यहाँ पे प्लस का 1 भी लाना है, यानी कि बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, प्लस में, तभी तो घटाएंगे छोटी में, बड़ी में छोटी को, तो बड़ी संख्या का साइन आएगा प्लस में, तो 4 को प्लस रखना और
तीन को माइनस ले लो, तो प्लस माइनस माइनस, चार तेई बारह का माइनस आया यस, और चार में तीन घटा दोगे तो एक आया प्लस का, गुड। तो यही हमारी नंबर हो गई, इसी को उठा लो यहाँ से। अब बस ये बीच वाला जो पद है बी नंबर, इसी को दो टुकड़े करना है, एक माइनस तीन सजा दो, एक चार सजा दो। अब इनको आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चार को आगे कर दो तीन को पीछे, कोई मतलब नहीं, सब वही आता है। तो देखो पहला पद वही रहेगा, सिर्फ इसको बनाना, तो देखो यक्स है तो यक्स इसको भी दे दो और इसको भी दे दो यक्स, तो ये हो गया तीन यक्स और ये हो गया चार यक्स प्लस में। अब माइनस छः वही रहेगा, बराबर में जीरो वही रहेगा, कोई अंतर नहीं। चलो हमारे पास दो दो का जोड़ा बना लो, ये दो जोड़ा बना लिए। अब इसमें देखो क्या दोनों के पास है, तो दो है इसके पास तीन नहीं है भाई, इसके पास तीन है इसके पास दो नहीं बराबर है। तो देखो इसके पास यक्स दो है, इसके पास यक्स एक है, लेकिन एक एक तो बराबर है, एक ले लो बाहर, तो इसके पास क्या बचा, दो यक्स बचा, इसके पास यक्स चला गया तीन बचा, क्या बचा तीन बचा। तब आपको क्या करना, यही वाला सेम ब्रैकेट इस वाले में भी आना चाहिए, टू यक्स माइनस थ्री सेम आना चाहिए, ठीक है यस। तो अब यही सेम आना चाहिए, एक को निकाल लो दूसरे को रख दो। अब फिर यहाँ पे चेक करो क्या अंतर है भाई, देखो तीन दूनी छः, दो दूना चार, दो एक्स्ट्रा हो रहा, दो के पहाड़े में आ रहा, दो लिख लो बाहर। और यहाँ साइन देखो माइनस है प्लस है, तो जब सेम साइन है तो बाहर प्लस कर देना है, कोई झंझट नहीं। अगर यहाँ उल्टा होता, माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन अगर सेम है तो प्लस कर दो, प्लस डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा आ गया, अब इसको एक बार चेक भी कर लेना, कैसे चेक करोगे, देखो ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, दो एक कम दो, यक्स 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 स्क्वायर आ गया, वापस आना चाहिए प्लस माइनस माइनस, तीन एक कम तीन यक्स आ रहा है यस, प्लस प्लस प्लस, दो दूना चार यक्स आ रहा है यस, प्लस माइनस माइनस, दो तीन छः आ रहा, यानी वापस आना भी चाहिए, नहीं आ रहा मतलब गलत है। चलो अब ये एक ब्रैकेट जो हमारा सेम सेम है, इसको ले लो एक ब्रैकेट में, और जो बाहर वाला यक्स प्लस दो इसको अलग ब्रैकेट में कर लो, बराबर जीरो हो गया। अब हमको शून्य निकालना है, तो दोनों को जीरो दिखाना पड़ेगा, तो टू यक्स माइनस थ्री बराबर जीरो एवं एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो इसके भी जीरो कर दो, इसके भी जीरो कर दो, दोनों के। अब देखो इसमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर करोगे माइनस में तीन है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब दो देखो गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ गया तीन बटा दो, पहला मान आया। हमने कहा था ना यक्स के दो मान आएंगे, कितने आएंगे दो, एवं कर देते हैं हम लोग यहाँ पे यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दो मान हमारे आ चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात क्या, द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः, मूल क्रमशः तीन बटा दो एवं माइनस दो होंगे, समझ गए, ये हमारा आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत बताओ, नई दिक्कत आपको हमने बताओ, सात से आठ मिनट में हमने समझा दिया आपको, बताओ। और सारा रूल मैंने निचोड़ के दे दिया है आपको, ये रूल अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपका गलत नहीं हो सकता, समझ गए। तो रूल आपको ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचे रह जाओगे, सोचते रह जाओगे दो नंबर कहाँ से आएगी, और रट के जाओगे आप कि इसका ये होगा इसका ये होगा, तो रटने का सवाल यहाँ नहीं पैदा होता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ें कैसे आ रही हैं, बहुत ही जादुई तरीके से। तो आपको आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने रूल ध्यान रखा होगा तो गारंटी से नहीं भूलेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें डाउट है समझ में नहीं आया तो हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे, ठीक है। और दोस्त भी अगर आपके हैं क्लास में, आपके सहपाठी रिलेशन में, तो उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी जुड़ेगी, मज़ा आएगा, ठीक है, बिल्कुल। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारी मदद कर सकते हैं लाइक शेयर कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए खैर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में किस विधि के लिए चाहिए, चार पार्ट पाँच पार्ट किसी भी एनी चैप्टर आप बता सकते हो, क्वेश्चन दे दो, आप क्वेश्चन पिन कर दो, उसमें क्वेश्चन नंबर डाल दो न्यू एनसीईआरटी का, हम आपको उसी पे वीडियो ला के देंगे, ठीक है। तो चलिए खैर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।